हेलो स्टूडेंट, प्रणाम। चैप्टर 15, लेटर राइटिंग, पेज नंबर 32। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक जी बना हुआ है, एम बना हुआ है, आर बना हुआ है और डी बना हुआ है। तो पेज नंबर 32, 33 दोनों लेटर राइटिंग का दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि लेटर राइटिंग के अंदर आपको ट्रेसिंग लाइन कंप्लीट करनी है। आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो इनकम्प्लीट ड्राइंग है उसको आपको कंप्लीट करना है। ये आर बना हुआ है तो आर के अंदर आपको इस तरीके से स्केल और पेंसिल की सहायता से जो ड्राइंग बनी हुई है उसको आपको अच्छे तरीके से आपको ट्रेस करना है। उसका जो ड्राइंग है वो बाहर जाना नहीं चाहिए, उसका बाहर निकलना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको ये ड्राइंग अच्छे से कंप्लीट करनी है कि वो ड्राइंग बाहर पेंसिल उसकी निकलनी नहीं चाहिए। ये जो ट्रेसिंग वाला जो भाग है वो आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। ये देखो मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद उसके पास में जो ड्राइंग बनी हुई है एम और डी उसको भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। जो ट्रेसिंग लाइन दिखाई दे रही है वो आपको इस तरीके से कंप्लीट करनी है कि उसका जो पेंसिल वाला भाग है वो बाहर नहीं निकले। ये आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया डी। अब उसके बाद ऊपर एम बना हुआ है तो एम को भी आपको इसी तरीके से ये कंप्लीट करना है कि उसका जो पेंसिल है वो बाहर निकलनी नहीं चाहिए। इस तरीके से अच्छे से वो कंप्लीट हो जाए ड्राइंग, वैसे आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है। फिर उसके अंदर आती है कलर की बारी। तो कलर इसमें क्या करना है कि क्रेयॉन या पेंसिल कलर या ऑयल पेस्टल कलर आपको यूज़ करना है। इसमें कलर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो कलर इस लेटर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, प्रणाम।